News 18, India. अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले थे, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे, आप बिना मतलब का। अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग थे सब हमको साथ देते थे, हमारा रिश्ता। और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति शांति तरफ से अब सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा सात निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और सात निश्चय दो में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा, और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे, और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था, अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के और इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अच्छा, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा, और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं, और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए, प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट, हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले लीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में हैं उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही 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 होगा, वही होगा, तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम बातों का रखा गया है। उन्होंने कहा जो मैंने काम किया है उसका क्रेडिट मैंने करती है, जो इस प्रस्ताव
के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन महोदय, लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है, विश्वास विश्वास मत का। आप देखिए जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं। महोदय, इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव, घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। तो नीतीश के विश्वास मत पर फिलहाल वोटिंग हो रही है और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है, विधानसभा से आरजेडी के तमाम जो विधायक है उन्होंने वॉकआउट कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सदन के अंदर विश्वास मत पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, विधानसभा से विपक्ष ने पहले हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। इससे पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार की तरफ से तमाम बातों को रखा भी गया, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस मुझसे डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं आरजेडी के साथ रहूं, और लालू यादव भी उनके साथ उनके खेमे में बंद रहे थे। यही वजह है कि अब मैं वापस अपनी जगह पर आ गया हूं, मैंने बिहार के लिए काम किया है। लेकिन बिहार विधानसभा में ये फ्लोर टेस्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं,